सादर प्रणाम, ताप्ती अर्जुन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। मुलताई, कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैस का मुलताई दौरा। सौंदर्यीकरण को लेकर कलेक्टर एवं मुलताई विधायक श्री सुखदेव पांसे ने नगर का किया निरीक्षण। पवित्र नगरी मुलताई में सौंदर्यीकरण सहित आमजन की सुविधा के लिए किए जाने वाले विकास कार्यों के संबंध में विधायक सुखदेव पांसे ने बुधवार को मुलताई पहुंचे कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैस के सामने प्रस्ताव रखा। बुधवार को कलेक्टर श्री बैस के नगर के सौंदर्यीकरण के साथ विकास कार्य कराने के लिए नगरीय क्षेत्र में चयनित स्थलों का विधायक श्री पांसे और स्थानीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। बैतूल, CMHO कार्यालय का लिपिक संजय दुबे 15 दिन से है फरार, मोबाइल भी है बंद। लिपिक सुंदरलाल की मौत के मामले में सुसाइड नोट में आरोपी है संजय दुबे। बैतूल के CMHO कार्यालय लगभग 6 महीने में दूसरी बार अपने यहां पदस्थ एक कर्मचारी के आत्महत्या करने की वजह से सुर्खियों में आ गया है। यहां पदस्थ सहायक गेट 3 सुंदरलाल ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली है और उसके सुसाइड नोट में एक अन्य लिपिक संजय दुबे का नाम सामने आया है, जिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। ज्ञात हो कि CMHO कार्यालय बैतूल में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 सुंदरलाल पवार ने बुधवार दोपहर को आत्महत्या करने के इरादे से सल्फास का सेवन कर लिया और उसे उपचार के लिए गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। घोड़ा डोंगरी, स्थानीय SDOP अभयराम चौधरी बुधवार को हुए रिटायर्ड, पुलिस कर्मियों और विधायक ने सम्मानित कर दी विदाई। स्थानीय SDOP अभयराम चौधरी बुधवार को रिटायर हुए। उनके रिटायर होने पर पुलिस कर्मियों ने और विधायक ने सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें विदाई दी। इस अवसर पर आमला के विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे भी पहुंचे और उन्होंने SDOP अभयराम चौधरी का सम्मान किया। इस कार्यक्रम में सारे पुलिस कर्मी मौजूद रहे। बैतूल, डाकघर में फिलैटेली सेमिनार का हुआ आयोजन, सांसद ने खुलवाया अकाउंट। जिला मुख्यालय बैतूल के डाकघर में कल फिलैटेली सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बैतूल हरदा हरसूद लोकसभा के सांसद DT UEK भी पहुंचे। 30 जून बुधवार को दोपहर 2 बजे आयोजित हुए इस सेमिनार में फिलैटेली में सांसद द्वारा ₹200 देकर अकाउंट भी खुलवाया गया। मुलताई, छिंदवाड़ा मार्ग पर ट्रक से डीजल चुराने के मामले में पुलिस ने किया खुलासा, 2 युवकों पर हुआ मामला दर्ज। छिंदवाड़ा हाईवे पर ग्राम क्रामत के पास रेलवे ब्रिज पर खड़े ट्रक के डीजल टैंक में से ट्रक के क्लीनर ने ही अपने साथी के साथ मिलकर डीजल की चोरी की थी। इस मामले का खुलासा पुलिस की जांच में हुआ। सहायक उप निरीक्षक ML गुप्ता ने बताया कि चोरी के मामले में क्लीनर आशीष की भूमिका संदिग्ध नजर आने पर पूछताछ की गई। पूछताछ में आशीष ने अपने साथी पवन बारंगे के साथ डीजल चोरी करने की बात कबूली। सहायक उप निरीक्षक श्री गुप्ता ने बताया कि आरोपियों के पास से 250 लीटर डीजल जब्त किया गया है। आरोपी आशीष पिता सहदेव माकोड़े हॉल मुकाम पारर सिंगा और पवन पिता मारुति बारंगी निवासी ग्राम डौवा के खिलाफ चोरी का केस दर्ज किया गया है। मुलताई, लैपटॉप चोरी के मामले में कोरियर कंपनी संचालक के खिलाफ FIR हुई दर्ज। थाना क्षेत्र के ग्राम मोही निवासी युवक द्वारा नगर के एक निजी कोरियर के माध्यम से लैपटॉप उदयपुर भेजा गया था, लेकिन 1 माह बाद भी लैपटॉप ठिकाने पर नहीं पहुंचने के चलते युवक की रिपोर्ट पर पुलिस ने निजी कोरियर के स्थानीय एजेंट के खिलाफ केस दर्ज किया है। बैतूल, अक्षय गोई हत्याकांड के मामले में 5वें फरार आरोपी को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिला अस्पताल में मेडिकल कराकर भेजा जेल। बैतूल में अक्षय गोहे हत्याकांड के अंतर्गत 5वां आरोपी जो काफी दिनों से फरार चल रहा था, उसे चूना हुजूरी गांव से गिरफ्तार किया गया। अनुजीत उई के नाम का यह 5वां आरोपी टिकारी का रहने वाला है। अक्षय हत्याकांड का 5वां आरोपी है, जिसे कल जिला अस्पताल लाया गया। मेडिकल कराने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। घोड़ा डोंगरी, बिजली कंपनी के DE ने दुकानों और घरों में मीटर की जांच, बिजली चोरी करते पाए गए 2 उपभोक्ता। घोड़ोंगरी क्षेत्र में बुधवार की शाम को करीब 5 बजे बिजली कंपनी की टीम द्वारा दुकानों और घरों में बिजली के मीटरों की जांच की गई। इस दौरान बिजली चोरी करते पाए गए 2 उपभोक्ता, उन पर कार्रवाई की गई। बिजली कंपनी के DE विवेक सोनी ने बताया कि घोड़ोंगरी क्षेत्र के घरों और दुकानों में मीटर की जाँच के दौरान 2 उपभोक्ता बिजली की चोरी करते हुए पाए गए, जिन पर कार्रवाई की जाएगी। शाहपुर, छिमड़ी रैयत में वन भूमि पर काबिज ग्रामीणों ने पट्टे की मांग को लेकर बुधवार को शाहपुर SDM कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। शाहपुर तहसील के ग्वाड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत छिमड़ी रैयत गांव में वन भूमि पर काबिज ग्रामीणों ने बुधवार दोपहर करीब 2 बजे के आसपास शाहपुर SDM कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा।
और पट्टे की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि 1951-52 से वह जमीन पर काबिज है। इसके बावजूद अधिकारियों द्वारा उन्हें जमीन से हटने और स्थल को क्षतिग्रस्त करने की धमकी लगातार मिल रही है, जिसके चलते वह मानसिक रूप से काफी परेशान है। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर वन भूमि में काबिज ग्रामीणों ने पट्टे देने की मांग की है। प्रभात पट्टन, खेड़ी देवनाला में कोरोना वॉलंटियर्स द्वारा लोगों को किया गया जागरूक। बैतूल जिले के प्रभात पट्टन तहसील के अंतर्गत खेड़ी देवनाला में कोरोना वॉलंटियर्स द्वारा लोगों को घर घर जाकर जागरूक किया गया। कोरोना वॉलंटियर्स अंजनी पवार और जीवनलाल द्वारा लोगों को वैक्सीन लगाने की लगातार समझाइश दी जा रही है। गौरतलब है कि उक्त ग्राम में लोगों द्वारा वैक्सीन लगाने को लेकर बहिष्कार किया गया था, लेकिन कोरोना वॉलंटियर्स के सतत महाभियान के बाद और प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद यहां के लोग वैक्सीन लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। आमला, बोरदई के राम मंदिर में अज्ञात व्यक्ति ने मंदिर की दान पेटी तोड़कर की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। मामला आमला के बोरदई थाना क्षेत्र के अंतर्गत राम मंदिर का है, जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मंदिर की दान पेटी तोड़कर चोरी करने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना राम मंदिर समिति ने पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस अब जांच में जुट गई है। घोड़ा डोंगरी, वीडियो चौक में अतिक्रमण की शिकायत पर रेलवे के अधिकारियों ने जमीन की नपाई, अतिक्रमण में आए 3 मकान। मामला घोड़ा डोंगरी के वीडियो चौक का है, जहां पर बुधवार को रेलवे के अधिकारी जमीन की जांच करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अतिक्रमण की जांच की और पाया कि रेलवे की जमीन पर 3 मकान हैं, जिसके बाद रेलवे के अधिकारियों द्वारा अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने की बात की गई। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि वीडियो चौक पर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण होने की उन्हें शिकायत मिली थी, जिसके बाद बुधवार को रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जमीन की नपाई करी। घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन को मिली 2 और ट्रेनों की सौगात, 6 जुलाई से चलेगी पातालकोट और गोंडवाना एक्सप्रेस। घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन को 2 और नई ट्रेनों की सौगात मिली है। बुधवार को रेलवे स्टेशन के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल के चलते लगभग 15 महीने से बंद पातालकोट और गोंडवाना एक्सप्रेस का संचालन 6 जुलाई से दोबारा किया जा रहा है। रेलवे विभाग की समय सारणी के अनुसार 6 जुलाई से पातालकोट और गोंडवाना एक्सप्रेस 2 ट्रेनों की सौगात घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन को मिली है। चिचोली, रातामाटी खुर्द में मुखबिर की सूचना पर थाना पुलिस ने जुए के अड्डे पर की कार्रवाई, 4 आरोपियों को मौके से पकड़ा। 52 ताश के पत्तों के साथ 7,000 रुपए की राशि भी की जब्त। मामला चिचोली के रातामाटी खुर्द का है, जहां पर बीती रात 7:30 बजे के लगभग मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए चिचोली थाना प्रभारी अजय कुमार सोनी के नेतृत्व में थाना पुलिस ने रातामाटी खुर्द से 4 लोगों को जुए के अड्डे पर पकड़ा और उन पर अब कार्रवाई की गई। इस दरमियान एक आरोपी के पास से थाना पुलिस ने चाकू भी जब्त किया है। भैंसदेही, नेमावर की घटना को लेकर मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद ने दोषियों पर कार्रवाई को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। भैंसदेही में नेमावर की घटना को लेकर मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के सदस्यों ने दोपहर 2 बजे तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार संजय बारस्कर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही दलित परिवार के 5 लोगों की जघन्य हत्या के विरोध में आरोपियों को फांसी देने की सजा की मांग की। भैंसदेही, कृषक संजय राठौर को नहीं लगा वैक्सीन का दूसरा डोज, मोबाइल पर आया मैसेज, वैक्सीनेशन सक्सेसफुल। भैंसदेही के कृषक संजय राठौर को 28 जून को बिना वैक्सीन लगाए उनके मोबाइल पर मैसेज आया कि आपके द्वारा वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, जिसको लेकर कृषक संजय राठौर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मंगलवार के दिन दोपहर 3 बजे मामले की जानकारी दी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से पूरे मामले की जाँच की मांग की। आठनेर, नगर के वार्ड क्रमांक 15 के निवासी ने गंदगी हटाने की मांग को लेकर नगर परिषद आठनेर में की शिकायत। आठनेर के वार्ड क्रमांक 15 के निवासी इमरान के द्वारा विगत 1 माह पूर्व भी गंदगी हटाने को लेकर सौंपा गया था आवेदन। मामले की जानकारी देते हुए कल बुधवार के दिन दोपहर 12:30 बजे के आसपास शिकायतकर्ता इमरान ने बताया कि नगर परिषद में उनके घर के सामने गंदगी हटाने को लेकर उन्होंने शिकायत पत्र सौंपा है। मामले में सफाई कर्मचारी द्वारा बताया गया है कि शीघ्र ही सफाई का कार्य किया जाएगा। आठनेर, नगर में 1 जुलाई से शुरू हो रहे टीकाकरण सत्र को लेकर नगर पालिका ने दी सूचना।
आठनेर नगर में 1 जुलाई से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन महाभियान सत्र की शुरुआत को लेकर 30 जून बुधवार को दोपहर नपा के कचरा वाहन के द्वारा सूचना दी गई, जिसमें बताया गया कि टीकाकरण सत्र की शुरुआत 1 जुलाई गुरुवार से की जा रही है, जो कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक की जाएगी। आमला एडीएम कार्यालय के सामने ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेलवे की मुख्य सड़क खस्ताहाल होने पर किया प्रदर्शन। मामला आमला के एडीएम कार्यालय के सामने का है, जहां पर बुधवार को आमला के एडीएम कार्यालय के सामने ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आमला ब्लॉक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 30 जून दोपहर 11:30 बजे के आसपास एडीएम कार्यालय के सामने रेलवे की मुख्य सड़क के खस्ताहाल होने के चलते प्रदर्शन किया है। साथ ही मुंबई के रेलवे महाप्रबंधक के नाम ज्ञापन भी सौंपा। घोड़ा डोंगरी पुंजी निवासी महिला का बाइक में घुसा पैर, हुई घायल। मामला घोड़ोंगरी के पुंजी का है, जहां पर पुंजी निवासी दंपति अपनी बाइक से घोड़ोंगरी से पुंजी जा रहे थे, तभी 30 जून लगभग दोपहर 2 बजे बाइक पर पीछे बैठी महिला का बाइक के टायर में पैर चला गया, जिसके बाद महिला के पैर में गंभीर चोटें आई है और वह घायल हो गई, जिसके बाद उसे प्राथमिक उपचार हेतु घोड़ोंगरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने के चलते उसे शाम 4 बजे के लगभग जिला अस्पताल में 108 के माध्यम से पहुंचाया गया, जहां फिलहाल डॉक्टरों द्वारा महिला का इलाज जारी है। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। अपने आसपास की खबरों, घटनाओं और परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई खबरों के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।